हुआ देश का बजट। बजट पर क्या कहा लोगों ने, आम जनता की बजट पर राय। सड़कों पर बैठे हैं और दूसरी तरफ बजट में कहते हैं हम उनके लिए ये कर दिया, उनको 6,000 मिलता था, इतनी इन्फ्लेशन आ गई, वो शायद अमाउंट ही बढ़ा देते, 7-8 हज़ार कर देते, वो तक नहीं किया। तो क्या ये तो अनाउंसमेंट है, इन्होंने देना कुछ नहीं है, लेना है थ्रू टैक्स ताकि वो इनकम उनकी ज़्यादा आ जाए और अपने पर खर्चे। ये यूनिटी मॉल ऑलरेडी इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, एक यूनिटी मॉल बना के अब क्या अचीव कर रहे हैं? लोगों के पास पैसा होगा तो वो जाएंगे वहाँ, लोगों के पास जॉब ही नहीं होगी, पैसे नहीं होगी, यूथ इतना है, सड़कों पर है, जॉब्स है नहीं, उनके लिए आप लगाओ फैक्ट्रियाँ, अनाउंसमेंट करिए कि लेबर इंटेंसिव हम ये काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं, हम यूनिटी मॉल करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा है उसको आप कहाँ टैकल कर रहे हैं, कहीं भी नहीं मेंशन है। यूथ, आपको पता है हमारा 65% यूथ इज बेसिकली कैन वर्क, बट उनके लिए उसमें से 46% ओनली आर वर्किंग, 54% का जॉब्स ही नहीं है। आप बताइए, कंट्री में कहते हैं इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी वर्किंग फोर्स है, बट ओनली 46% इज वर्किंग, 54% के पास काम ही नहीं है। आप उनके लिए बताइए ना क्या कर रहे हैं, जो लेबर इंटेंसिव हो। आप बस अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देते हैं, मरीन के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आप पहले किसानों का तो कुछ दर्द बांट पूरा नहीं कर सके, सुलझा नहीं सके, अब वो फिशिंग में जा रहे हैं, आप जो खेती कर रहे हैं वेदर पर डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए आप कहते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरू करेंगे वो करेंगे, उनकी इनकम कहाँ से बढ़ेगी? इससे बढ़ेगी 2-3 साल लग जाएंगे, स्टार्टअप बनने में 5-6 साल लग जाएंगे। सर, जो हमारे उम्मीद थी बजट में गरीब के लिए कुछ होगा, तो हमारे बजट में कुछ भी नहीं मिला उम्मीद है। आप देखिए सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, और आप सरसों का तेल देखिए, और आटा देखिए 40 रुपये किलो आटा हो गया है। अब उम्मीद हमारे को क्या चाहिए, हम देखो रोज़ के कमाने खाने वाले आदमी हैं, रोज़ का आज काम सुबह कमाने खाने वाले आदमी हैं। अब गरीब के लिए तो देखो अभी पेट्रोल है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, सीएनजी देखो आप कितनी महंगा हो रही है, अब सोना जो हमारे पास पैसा नहीं रखो तो कहाँ से सोना खरीदे? आप एक बताओ, जो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, हम उसके टैक्स को क्या करेंगे उसका? तो हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, 2-3 लाख रुपये समय 2-3 लाख कर दिए, कुछ 4 लाख कुछ कर दिए, तो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो हम उसका क्या, हमारा क्या फायदा होगा चीज़ को? जब जनता के पास नौकरी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, नौकरी है नहीं यहाँ पे, नौकरी है नहीं, और एयरपोर्ट में आप जाइए, अब भी हम जाते हैं एयरपोर्ट जाते हैं जैसे पहले था, अब भी ऐसा ही है जैसे पहला था, हम भी अब भी लाइन में एयरपोर्ट जाके अब भी लाइन में लगे रहते हैं, और आप वहाँ जैसे VIP लोग चले जाओ, अंग्रेजी लोग को चले जाओ, अपने चले जा रहे हैं, हम तो हमारे लिए कुछ जनता दो जो सरकार ने अभी तक कुछ भी बजट में बेसिकली आई लुक दिस बजट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कैपिटल यू नो डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द पॉइंट इज दैट सिमिलरली गवर्नमेंट हैज नॉट फोकस ऑन द परचेजिंग पावर, एंड द परचेजिंग पावर लीड्स टू द कंजम्पशन, when the consumption, when you increase the purchasing power, then definitely consumption will increase of the industry and the industry will boot up, but but keeping in view the government has basically not given any basically investment motivation, so that people are very much demotivated towards the ATC exemption. They are looking for having more exemption in exemption or maybe deductions, you can say ATC. More than expecting, they are having expecting like more than 1,50,000. But in this budget, there is no such benefits in that. हमको ये बजट लगा जो कुछ अच्छा होगा, मान लो ये तेल पेट्रोल गैस की जो दाम दिन पे दिन बढ़ा जा रहा है, मान लो अगर हमको पेट में अनाज ही नहीं देंगे तो हम खिलौना ये लेके क्या करेंगे, ये जो जिस चीज़ पे लोग कम कर रहा है, तो हमारे हिसाब से कम गरीब आदमी के लिए चूल्हा तो जलना चाहिए, गरीब आदमी के लिए चूल्हा तो जलना चाहिए, गरीब जो है वो कहाँ से लाएगा, मान लो 2,000-1,500 का सिलेंडर लाए, गैस की दाम कम होना चाहिए ताकि ये पेट्रोल डीजल भी कम होना चाहिए, जो किराया भाड़ा भी कम होगा, उस हिसाब से बाजार की मार्केट सही रहेगा गरीब आदमी। भाई आम आदमी कमा कहाँ रहे हैं, 5 लाख जो टैक्स देंगे, आम आदमी कमा कहाँ रहे हैं 5 लाख टैक्स देंगे, अब मेरे 18,000 सैलरी है, अब जो लो साल कितना हो गया, 18,000 सैलरी जो लो कितना होगा, 2 लाख कुछ रुपया, तो हम कहाँ से सैलरी देंगे, किसी को सैलरी नहीं है 15-14 हज़ार से ज़्यादा, तो कहाँ 5 लाख के वो टैक्स भरेंगे सर, 5 लाख के कमाएंगे तब तो 5 लाख करवा दो, मैं टैक्स भरेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ सरकार को टैक्स। उम्मीद थे हमको सबसे मेन था जो कम से कम तेल पेट्रोल गैस की दाम कम होना चाहिए, ताकि रसोई के जो सामान है होम उसकी किचन की जो सामान कम होना चाहिए, तेल खाने वाला तेल के रेट गिरना चाहिए, सबके तेल 200 रुपये तेल है, खाने का तेल 200 रुपये किलो कहाँ से पार पाएंगे, आप ही बताओ। बजट बहुत फेल है, कम से कम दाल ताल की दाम कम करें, गरीब आदमी दाल रोटी भी शाम को खा के सोए, कम से कम भूखा ना सोए।